देखिए, आज हम देखेंगे कि अगर इस तरीके की एक्सेल शीट अपने पास है और उसमें एक पर्टिकुलर सेल को चूज करते हैं, तो ये सारा सेल एक हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो ये हाईलाइट कैसे होता है? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हाईलाइट करना है, तो यहाँ जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए ये हाईलाइट हो जाता है। ये अलग अलग मुझे हाईलाइट करने पड़ेगा। हम चाहते हैं कि वन क्लिक में ही रेंडमली हम सेलेक्ट करेंगे और ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इसको अंडू करते हैं, जो भी हमने कलर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करके, इस डाटा में क्लिक करके कंट्रोल भी दबाते हैं, पूरा हमारा डाटा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कंडीशनर फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रोल, इसके बाद यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला क्या लिखते हैं, इक्वल टू आर ओ डब्ल्यू ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दिस वन इक्वल टू ओपन डबल क्लो आर ओ डब्ल्यू रो डबल कोलन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला हम लिखते हैं। फॉर्मेट हो जाते हैं इसके बाद, और कोई भी कलर चूज कर लेते हैं। सपोज करिए हमने ये कलर चूज कर लिया, ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए ये कलर यहाँ आ गया। अब कहीं भी हम जाते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए वो सेल का कलर आ रहा है। इस पर राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाते हैं, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है टारगेट डॉट कैलकुलेट, ये करके इसको सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं किसी भी सेल पर, वो पर्टिकुलर सेल हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे देखिए बर्मन है, फाइनेंस का बंदा, तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी तुरंत हाईलाइट हो जाती है और बहुत अच्छी तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।